Assalamu alaikum for class. How are you? Hope you are fine and safe at home. Today's our topic is test buys. Unit number 3, test buys a miracle. Topic reading with explanation. Book page number 31-33. Extra work word meaning with sentences. Okay, students, open your book page number 31. Book page number 31, test buys a miracle. Test ne ek moja harida. ओके स्टूडेंट्स, क्या मोजा खरीदा जा सकता है ये हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि ये क्या स्टोरी का नाम क्या है, क्यों ये टेस्ट बाय अ मिरेकल है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टर. अ मिरेकल इज़ अ वंडरफुल इवेंट दैट सीम्स इम्पॉसिबल एंड इट इज़ बिलीव टू बी कॉज बाय गॉड. मिरेकल क्या होता है? एक ऐसा इवेंट होता है जो इम्पॉसिबल होता है लेकिन वो अल्लाह की तरफ से हो जाता है. कोई ऐसा काम होता है जो बिल्कुल नामुमकिन होता है लेकिन अल्लाह की तरफ से वो अचानक वो काम हो जाता है, तो वो हम कहते हैं कि मौजा हो गया ये तो. ठीक है, तो वो होता है जो अल्लाह की तरफ से हो जाए लेकिन इंसान उसके लिए बिल्कुल हार मान जाए कि ये काम नहीं हो सकता, तो मिरेकल उसको कहते हैं. लुक एट दीज टू रियल इवेंट देन फॉर्म अ पेयर एंड डिस्कस विद योर पार्टनर What make the two events unusual and miraculous. तो ये नीचे दो टू इवेंट्स हैं बताए गए हैं जो कि अल्लाह की तरफ से, ये सोचें कि ये miraculous थे. ये इवेंट जो है ना वो मतलब वो पॉसिबल नहीं था लेकिन ये हो गया है, तो उसके बाद आप लोग डिस्कस कीजिएगा कि क्या वजह कैसे हुआ और वो कैसा इवेंट था वो. नंबर ए है, नीलम अ 4 month old baby girl was found alive from under the rubble of her home 5 days after a terrible earthquake and that destroyed thousands of houses. The earthquake struck Kashmir on 8 October 2005. More than 75,000 people died and over 100,000 others were injured. तो जब ये 2005 में एक जलजिला आया था, बहुत बड़ा जलजिला था, तो उसमें क्या था कि 75,000 पीपल जो थे वो मर गए थे उसमें, तो उनकी डेथ हो गई थी और बहुत ज़्यादा थे, 1,000 में जो थे ना वो जख्मी हुए थे उसमें. तो एक 4 माह की जो बच्ची थी नीलम, 4 month old baby girl जो थी वो जिंदा बच गई, वो और मिली भी 5 दिन के बाद जो है ना अपने घर से वो मिली है. तो ये एक मौजा ही था कि अल्लाह ताला ने उसको बचाया. ठीक है, और उसके बाद बी पे है, जैक डनलैप अ 21 year old अमेरिकन वाज सो बैडली इंजर्ड इन अ रोड एक्सीडेंट ऑन 17 नवंबर 2007 दैट द टेक्सन डॉक्टर्स हु ट्रीटेड हिम सून डिक्लेयर्ड हिम ब्रेन डेड. तो एक 21 साल का जो लड़का था अमेरिकन जो था वो बुरी तरह जो है एक्सीडेंट में ज़ख्मी हो गया था, तो डॉक्टर ने उसको कह दिया था कि उसका मेंटली वो जो है ना बिल्कुल मतलब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा और वो बिल्कुल मेंटली तौर पे वो डेड है. सम हो डनलैप रिकवर एंड हैज़ ऑलरेडी बिगन अ लीड अ नॉर्मल लाइफ. लेकिन फिर भी डनलैप जो है वो रिकवर हुआ, ठीक हुआ और अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारने लगा. हिज डॉक्टर स्टिल कांट एक्सप्लेन दिस मेडिकल मिरेकल. लेकिन उसके जो डॉक्टर हैं वो अभी भी इस चीज़ को वो कह रहे हैं कि ये एक मौजा है कि वो इस तरह ठीक हो गया और चलने लगा और अपनी लाइफ को गुजारने लगा, कि वो कहते हैं मेडिकल लाइफ में एक मौजा है ये, इसका बचना और चलना फिरना. ठीक है, नाउ रीड द स्टोरी. दिस स्टोरी हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे कि स्टोरी में भी कुछ मिरेकल है कि वो क्या है. ओपन योर पेज नंबर 32. One day, 8-year-old Tess overheard her parents talking about her little brother Andrew. एक दिन जो है एक बच्ची है टेस, 8 साल की बच्ची है, उसने अपने पेरेंट्स की इत्तफाकन एक बात सुन ली उनकी, कि अपने जो कि उसके भाई के बारे में बात कर रहे थे एंड्रयू के बारे में. शी लर्न दैट एंड्रयू वॉज वेरी सिक एंड दैट हर पेरेंट्स डिड नॉट हैव इनफ मनी फॉर हिज ट्रीटमेंट. तो उसने सुना क्या था कि उसका जो भाई है एंड्रयू है वो बीमार है और उसके पेरेंट्स के पास उतने पैसे नहीं है कि वो उसका इलाज करवा सकें. टेस हियर्ड हर फादर सेज ओनली अ मिरेकल कैन सेव हिम नाउ. तो उसके फादर ने उसने टेस ने बात सुनी थी कि उसके फादर कह रहे थे कि एक मौजा ही है जो उसको बचा सकता है. टेस स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट. शी वेंट टू हर रूम एंड
टू का जार आउट ऑफ हर कबर्ड। टेस ने उसके बारे में सोचना शुरू किया और उसने क्या किया, अपने रूम में गई और अपनी कबर्ड में से एक जार निकाला। देयर वर सम कॉइन्स इन इट, उसके अंदर कुछ कॉइन्स थे। शी काउंटेड द मनी केयरफुली, उसने बड़े एहतियात से उस मनी को काउंट किया। देन टेस पुट द मनी इन टू अ पर्स एंड मेड हर अवे टू अर ड्रग स्टोर, तो उसने वो मनी जो थी काउंट करके अपने बैग में रखी और एक ड्रग स्टोर मतलब दवाइयों की दुकान जो है जिसको मेडिकल स्टोर भी कहते हैं वहाँ पे वो चलना शुरू होगी, उसकी तरफ चलना शुरू होगी। द केमिस्ट सा हर बट डिडंट पे एनी अटेंशन। केमिस्ट कौन होता है, वो जो मेडिकल स्टोर वाला जो होता है ना जो दवाइयाँ देता है, तो वो केमिस्ट है, कीमियादान उसको ऐसे कहते हैं। तो उसने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ही वॉज डीप इन कन्वर्सेशन विद अ मैन, वो बड़ा ही बिजी था एक आदमी के साथ गुफ्तगू करने में। मैन टेस्ट कंटिन्यू टू स्टैंड बिफोर द काउंटर, ही सैड टू हर, लेकिन जब टेस्ट वो काउंटर के बिल्कुल सामने आके खड़ी हो गई तो उसने उससे पूछा, साउंडेड रादर अनॉयड, बड़े गुस्से से उससे मतलब झुंझलाया हुआ जैसे उसको पसंद नहीं आया, तो उसने उससे पूछा, वट डू यू वॉन्ट, तुम्हें क्या चाहिए। आई एम टॉकिंग टू माई ब्रदर हु हैज़ जस्ट अराइव फ्रॉम शिकागो, मैंने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ जो कि अभी शिकागो से आया है, तो मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। आई वॉन्ट टू बाय अ मिरेकल, सैड टेस्ट, टेस्ट ने कहा मुझे एक मोजा खरीदना है। माई ब्रदर एंड्रयू इज़ रियली सिक, मेरा भाई एंड्रयू बहुत बीमार है। ही हैज़ समथिंग बैड ग्रोइंग इन साइड हिज हेड एंड माई फादर सेज दैट ओनली अ मिरेकल कैन सेव हिम नाउ, उसके दिमाग में कुछ अजीब सा उसके दिमाग में चल रहा है, ग्रो कर रहा है, तो मेरे फादर ने कहा है कि उसको एक मोजा ही बचा सकता है, मिरेकल ही बचा सकता है उसको। कैन यू टेल मी हाउ मच अ मिरेकल कॉस्ट, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिरेकल की कितनी, इस मोजे की कितनी कीमत होती है। द केमिस्ट ब्रदर अ वेल ड्रेस्ड मैन, एक बहुत अच्छा दिखने में बहुत अच्छा इंसान था केमिस्ट का जो भाई था, एक वेल ड्रेस्ड, उसने बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ था। वॉज लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन बिटवीन हिज ब्रदर एंड अ लिटल सिस्टर लिटल गर्ल, तो उसका जो भाई था अपने भाई की बातें और लड़की की बातों को बड़े गौर से सुन रहा था। ही टर्न टू द टेस्ट एंड आस्ट, वो टेस्ट की तरफ मुड़ा और कहा, वट काइंड ऑफ मेरिकल डज योर ब्रदर्स नीड, तुम्हारे भाई को किस तरह का मेरिकल चाहिए। डोंट नो, रिप्लाई टेस्ट, हर आइज फुल ऑफ टीयर, उसने उसकी आंखें फुल आंसुओं से भरी हुई थी, उसने कहा मुझे नहीं पता। ही इज़ रियली सिक एंड मम्मी सेज ही नीड एन ऑपरेशन, उसने कहा वो बहुत बीमार है और मम्मी ने कहा था उसको एक ऑपरेशन की ज़रूरत है। बट डैड कांट पे फॉर इट सो आई वांट टू यूज़ माय ओन मनी, लेकिन जो डैड हैं वो पे नहीं कर सकते तो मैंने इसलिए अपनी मनी खुद यूज़ कर, मैं अपनी मनी यूज़ कर रही हूँ। हाउ मच मनी डू यू हैव, आज द मैन, आदमी ने पूछा तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। $1.11, $1, $1 जो है ना वो उसके 100 सेंट हो तो $1 बनता है, तो उसके पास थे $1.11, said test. Wonderful, said the man smiling. $1.11, that's the exact price of a miracle for your little brother. ये तो बिल्कुल वो उतनी ही रकम है जितनी तुम्हारे भाई के इलाज के लिए चाहिए। He took test money in one hand and held her hand with the other saying, take me to your house, I want to see your brother. तो उसने कहा कि मुझे उससे पैसे ले लिए और उसका हाथ पकड़ा और कहा कि मुझे अपने साथ लेके चलो अपने भाई के पास, तो मैं उसको देखना चाहता हूँ। लेट मी सी इफ़ आई हैव द काइंड ऑफ मिरेकल ही नीड, तो कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास उस तरह का मोजा है जिस तरह की उसकी ज़रूरत है, जिसकी उसको ज़रूरत है। द केमिस्ट ब्रदर वॉज डॉक्टर कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग, अ फेमस न्यूरोसर्जन, तो एक जो था ना केमिस्ट का जो भाई था डॉक्टर कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही मशहूर जो है न्यूरोसर्जन था। ही सून हैड एंड्रयूज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, उसने जल्द ही एंड्रयू को हॉस्पिटल में एडमिट किया। वेयर ही ऑपरेटेड ऑन हिम, जहाँ उसका ऑपरेशन हुआ। विद अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों में एंड्रयू वॉज बैक टू होम एंड डूइंग वेल, तो एंड्रयू घर वापस आ गया और वो बेहतर होना शुरू हो गया। वन डे टेस्ट मदर सैड टू हर हस्बैंड, आई वॉन्डर हाउ मच एंड्रयू सर्जरी कॉस्ट, तो एक दिन उसकी मदर ने कहा कि मुझे, मैं हैरान हूँ कि इतने ज़्यादा जो कितने पैसे लगे होंगे उसकी सर्जरी में। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग वुड नॉट टेक एनी मनी फॉर अस, फ्रॉम अस,
तो लेकिन डॉक्टर आर्मस्ट्रांग ने हमसे कोई पैसे नहीं लिए। हेयरिंग दिस टेस स्माइल टू हरसेल्फ, शी न्यू एग्जैक्टली हाउ मच अ मेरेकल कॉस्ट। तो वो उसकी बात टेस्ट सुन रही थी और स्माइल करने लगी, क्योंकि वो उसने कहा मुझे जानती थी वो कि इस मेरेकल की कॉस्ट क्या है, $1.11 प्लस द फेथ ऑफ ए लिटल चाइल्ड। तो इसकी कीमत क्या थी, $1.11 और एक बच्चे का फेथ, छोटे बच्चे का फेथ। तो इस तरह ये स्टोरी कंप्लीट हुई, इसे कि उस क्या मेरेकल था, कैसे हुआ, तो ये सारा स्टोरी में हमने पढ़ा है। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। नाउ इट्स टाइम टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क। वर्ड मीनिंग्स, दीज आर सम वर्ड्स फ्रॉम दिस लेसन। मेरेकल, मोज़ा, ओवर हेयर, इत्तफाकन सुन लेना, ट्रीटमेंट, इलाज, ड्रग स्टोर, दवाइयों की दुकान, अनॉयड, झुंझलाना या नाराज़ हुआ होना, कन्वर्सेशन क्या है, गुफ्तगु। तो आपकी डायरी क्या है, रीडिंग ऑफ बुक पेज नंबर 31-33 प्लस मेक सेंटेंसेस ऑफ गिवन वर्ड। ये जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं आपने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं, और खुद से आपने ट्राई करना है कि खुद से आपके सेंटेंसेस बनाएं, और उसके साथ आपने रीडिंग इसको बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है ताकि हम नेक्स्ट इसका वर्क कंप्लीट कर सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।